देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। ब्रेक से वापस आते हैं और जरा तस्करा करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में खेलों के मैदान से जो खबरें आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। ये बात तो यकीन तौर पर बहुत मुस्बत है कि पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैचेस की जो सीरीज है वो खेलने के लिए मौजूद है, लेकिन ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि इन टेस्ट मैचेस के हवाले से पाकिस्तान में तैयारियां क्या हुई। एक वो तैयारी जो पाकिस्तान में स्टेडियम के एतबार से होनी चाहिए थी, क्योंकि जो रावलपिंडी टेस्ट मैच हुआ उसकी पिच को लेकर ICC ने एक कड़ा फैसला सुनाया। साथ में ये तमाम तर सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैच जीतने में नाकाम रहा और अब पाकिस्तान के ऊपर व्हाइट वॉश का खतरा मंडरा रहा है। साथ में यह ऐड करें कि पाकिस्तान की टीम जब इंग्लैंड टूर करती है तो इस बात की हमें काफी हद तक उम्मीद होती है कि शायद पाकिस्तान वो टेस्ट मैचेस ना जीत सके, क्योंकि वहां की जो कंडीशंस हमें सूट नहीं करती। पाकिस्तान इस वक्त अपनी कंडीशंस में अपने होम ग्राउंड पे भी अगर इसी तरीके से हारेगा तो फिर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से। इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं, हम इस वक्त ज्वाइन करें जनाब रियाजुद्दीन साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इनसे जरा जानेंगे कि ये जो कुछ हुआ और खासतौर पर जो रावलपिंडी की पिच के हवाले से जो ICC की ऑब्जर्वेशन सामने आई है, इसके ऊपर इनका क्या कहना है। रियाज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मनीर भाई। रियाज साहब, एज ए स्पोर्ट्स लवर, एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड एज ए पाकिस्तानी, जो रावलपिंडी स्टेडियम के हवाले से जो मामला ICC ने उठाए और जो पिच को गैर मयारी पिच कह दिया गया, सर ये कितना ज्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए खराबी है, कितना डाउनसाइड है ये पाकिस्तान क्रिकेट का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीर भाई। बात यह है कि पाकिस्तान, आपको याद होगा कि यहाँ पर गैर मुल्की टीमें जो है नहीं आ रही थी और उसकी बहुत सारी वजूहत थी, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि हालिया चंद सालों में पाकिस्तान ने जिस तरह से PSL को ऑर्गेनाइज किया और हमने अपने इस प्रोडक्ट को दुनिया भर में जितने अच्छे तरीके से रोशनास कराया, उसके नतीजे में हमारा एक सॉफ्ट इमेज जो है दुनिया भर में गया। जितनी भी मतलब दुनिया भर के प्लेयर्स थे वो यहाँ पर आए, उन्होंने दूसरे प्लेयर्स को कायल किया और इस तरह से एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ कि इंटरनेशनल टीमें बतदरीज यहाँ पर आना शुरू हुई। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमें जो है 17-17 और 24-24 साल बाद यहाँ पर आना उन्होंने मतलब गवारा किया, पसंद किया। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंज थी पाकिस्तान के लिए, इसलिए भी कि गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों को जो है पाकिस्तान में खेलने के मौके नहीं मिल रहे थे, पाकिस्तानी शायकीन को यहाँ पर क्रिकेट देखने के लिए नहीं मिल रही थी इंटरनेशनल टीमों की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जो हमने एक सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में बनाया था, हमने एक तो जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आपसे चंद माह कबल यहाँ पर आई थी तो हमने डेड विकेट बनाई थी और आपको याद होगा कि उस वक्त डी मेरिट पॉइंट ICC ने आपको एक दिया था। और इसका तरीकाकार ये होता है कि अगर किसी पिच पर, किसी भी मुल्क के किसी भी शहर की पिच पर या स्टेडियम पर अगर ये धब्बा लग जाए मुसलसल 5 डी मेरिट पॉइंट्स का, तो उनको एक साल के लिए मुअत्तल कर दिया जाता है। तो एक डी मेरिट पॉइंट तो हमें जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी तब उस विकेट के हवाले से मिला था, और एक डी मेरिट पॉइंट एक और एड हुआ है अभी, और जो मतलब ये कि मैच रेफरी थे उन्होंने जो है पाकिस्तान को ये डी मेरिट पॉइंट दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एक सॉफ्ट इमेज दुनिया में बनाया था, पूरी दुनिया से क्रिटिसिज्म आ रहा है कि पाकिस्तान की विकेटें जो हैं वो फ्रेंडली विकेटें नहीं है और ये सपोर्टिंग विकेटें नहीं है। तो लेकिन रियाज साहब, सॉरी इस वक्त मैं आपको कथा कलामी के लिए माजत चाहूंगा, लेकिन ये सवाल तो है ना कि पाकिस्तान में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि टेस्ट मैचेस देखने के लिए आवाम आई, बड़ी तादाद में आई, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आवाम तो आई लेकिन आवाम को मयारी क्रिकेट नहीं देखने को मिली। ये कहा जा सकता है कि वो जो एनवायरनमेंट था, ये जो पिचेस थी वो इतनी ज्यादा कंड्यूसिव नहीं थी कि वो एक बेहतर क्रिकेट हमें नजर आती। जी बिल्कुल मुनीर भाई, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि हम जो है उस मेरिट पे अपनी विकेटें नहीं बना रहे जो दुनिया भर की जो बोर्ड हैं वो बनाते हैं। और आप ये देखें कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की वो टीमें हैं जिनके प्लेयर्स की जो अप्रोच है वो पॉजिटिव है, उनकी फिजिकल फिटनेस लेवल जो है वो जो दुनिया में इसका खूबसूरत है उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक है। लेकिन पाकिस्तान ने जो ये विकेटें बनाई थी ये इन मतलब डेड विकेटें इसलिए बनाई थी कि आप मैच को ड्रॉ कर जाएं, यानी हमारी हिकमत अमली जो है बड़ी डिफेंसिव है, वो कि दुनिया पता नहीं कहाँ निकल गई है। और ये दुनिया भर की जो दूसरी टीम है ऑस्ट्रेलिया जिनके मैंने नाम लिए, इंग्लैंड की, ये आजकल टेस्ट मैचेस भी वनडे और T20 के पैटर्न पे खेलते हैं और टेस्ट मैच जो है 4 दिन में 3.5 दिन में खत्म कर देते हैं। और उनकी ये कोशिश होती है कि इस मैच टेस्ट मैच को डिसाइड करें। आपने देखा कि उनके कप्तान ने जो पहला टेस्ट हुआ था उस वक्त भी इन्हें खेलने के मौका दिया, और दूसरा जो मैच था वो तो खैर पाकिस्तान ने
उन्हें आउट कर दिया था 275 जितने भी रन में, तो पाकिस्तान को खेलने का मौका मिला और पाकिस्तान के लिए वक्त की कैद नहीं थी और पाकिस्तान को रन्स भी इतने ज्यादा नहीं बनाने थे। लेकिन हमें लगता ये कि तो मतलब ये कि हम जो अपनी विकेटें बनाना चाहते हैं उससे हम खुद फायदा नहीं उठाते और दूसरी टीम उससे फायदा उठा लेती है, तो हमारी जो अप्रोच है वो बहुत ही निगेटिव है। हम डिफेंसिव मतलब खेलते हैं, अगर हम इसी तरह से डिफेंसिव खेलते रहेंगे तो हम तो वैसे भी हार जाते हैं। अच्छा। तो हमको चाहिए कि हम मतलब ये कि एग्रेसिव होके खेलें। जैसे आपने डिफेंसिव की बात की, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में तब्दीलियां हम देखते हैं, बेंच स्ट्रेंथ तो मौजूद होती है लेकिन उसको कभी टेस्ट नहीं किया जाता। इनफैक्ट कोशिश की जाती है कि बेंच को तब्दील कर दिया जाए ताकि कभी टेस्ट करने की जरूरत ही ना पेश आए। हमने ये देखा कि पहले टेस्ट मैच में नसीम शाह को हारिस शरीफ को खिला दिया गया, वो दोनों बॉलर्स एक लंबी लीग एक क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, दोनों के इंजरी के मसाइल थे, ये जानते हुए खिलाया गया। इसके बाद हमें फोर्सफुली चेंज करना पड़ा, इंजरीज हुई, सेकेंड टेस्ट में हमने तब्दीली की, उसका हमें बेनिफिट नजर आया। लेकिन बैटिंग के शोबे में हम देख रहे हैं कि आज भी बड़ी तादाद में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शान मसूद या सरफराज अहमद को टीम का हिस्सा बनाया जा सकता था लेकिन वो नहीं बनाया। ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जो पूरे साल डोमेस्टिक सीजन खेलते हैं, उनकी बॉडी उनकी फिटनेस इन पिचेस के एतबार से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा मौजू है, उनको भी मौका नहीं दिया गया, बल्कि बहुत से प्लेयर्स को तो स्क्वाड में हिस्सा नहीं दिया गया। अब तीसरे टेस्ट मैच जो कि कराची में होने जा रहा है उसके लिए पाकिस्तान की टीम के पास क्या तैयारियां हैं या क्या कुछ करने के ऑप्शंस मौजूद हैं? मनीर भाई, आपने कहा तैयारियां, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है, कभी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, आप कुछ नहीं कह सकते कि ये क्या करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप मेरिट पे पूरे उतरने वाले खिलाड़ियों के साथ ज्यादती करेंगे, उनको टीम में शामिल नहीं करेंगे, फवाद आलम को आपने बाहर किया, शान मसूद को आपने टीम में लिया, लेकिन आप इस डर से नहीं खिला रहे हैं कि अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे गया तो आगे चल के कहीं बाबर आजम जो है वो बाहर ना बैठ जाए। इसी तरह आपने जो है सरफराज अहमद के साथ जो ज्यादती की है उसको आपने जिच करके रख दिया है, ना तो आप उसको मतलब खिला रहे हैं और मुस्तकिल जो है आप उसको बैठा रहे हैं, मतलब उसके साथ तो इन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की। और देखें, ये टीम में एक बाकायदा ग्रुप बना हुआ है, उसमें तीन लड़के शामिल है, कप्तान भी हैं, और मुझे लगता है कि वही डोमिनेट कर रहे हैं। और जब आप इस तरह से किसी के साथ ज्यादती करेंगे, आपकी नीयत में हो सकता है कि वो अपने तौर पर सही हो, उनकी नीयतें सही हो, लेकिन हम ये समझते हैं कि उनकी बदनीयती जो अगर जब किसी भी मतलब ये कि टीम में आ जाती है ऑफिशियल में कप्तान में, तो उसका रिजल्ट फिर यही होता है, आपसे जो है फंबल होते हैं, गलतियां होती हैं। अब मैं ये समझता हूं कि एक तो यहां पर अगर अब हम मैं तीन बात करूंगा कि एक तो ये कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है ये उसका कसूर है, दूसरा हमारा जो कप्तान है जो वो कप्तानी सही तरह से नहीं कर पा रहा है, उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो नो डाउट बहुत अच्छी है, हम उसे सलूट करते हैं, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस क्या काम की कि आप तो दुनिया की रैंकिंग में एक और दो नंबर पे और आपकी टीम जो है पांचवीं छठी नंबर पे जा रही है और आप टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने का ख्वाब जो है आपका बिखर गया है। अगर आप ये दो टेस्ट जो जीते हुए थे अगर आप जीत जाते आपकी अप्रोच पॉजिटिव होती एग्रेसिव होती तो आप जीत सकते थे। फिर तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है वो हमारी डेड विकेटों ने बनाया मतलब ये कि पहुंचाया है। अगर हम एग्रेसिव होके खेलेंगे जमाना जो है बहुत आगे चला गया, हम अगर डर और खौफ में मुतला रहेंगे तो जो डर गया वो मर गया और आप देखेंगे हम दो ऐसे टेस्ट जो आप जीत सकते थे और आपने जो है उनको आसानी से दे दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि टीमों की जिंदगी में ऐसे मौके कम आते हैं जब उनको इतनी अच्छी आराम से कामयाबी मिल रही हो सामने पाकिस्तान के लिए दूसरे टेस्ट में बहुत सारा। और यासिफ, ये अगर देखें तो पाकिस्तान के साल में जो टेस्ट मैचेस है जो मुश्किल टीम है वो पाकिस्तान में आके टेस्ट मैचेस खेल रही है और जो हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली वीकर जो टीम्स हैं हमें उनके मुल्कों में जाके या दुबई की पिचेस पे टेस्ट मैचेस खेलने पड़ेंगे। हम तीसरे मैच की बात करते हैं, इसमें तब्दीलियों का ज्यादा तस्करा करते हैं। आपने सरफराज अहमद का तस्करा किया, अगर सरफराज अहमद की डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही शानदार है लेकिन गुज़िश्ता दो साल से सरफराज अहमद बेंच पे मौजूद हैं, टीम के साथ ट्रेवल करते हैं लेकिन मैच नहीं खेलते, इससे मेंटली तौर पे एक प्लेयर कितना ज्यादा बिखर जाता है? और इसके अलावा आपको तीसरे मैच में कोई तब्दीली होती हुई नजर आ रही है? देखिए मुनीर भाई, तब्दीली तो यकीनन एक आध ये करेंगे, ठीक है ना, जिस तरह से इन्होंने मतलब शबीक को खिलाया था और उससे ये फायदा नहीं उठा सके, लेकिन दूसरे हमारे मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन है वो मुस्तकिल फेल हो रहे हैं और मतलब नो डाउट के सऊद शकील ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन जिस तरह से हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग मुस्तकिल नाकाम हो रही है तो मैं ये समझता हूँ कि सरफराज का चांस बनता था। जब आपने वर्ल्ड कप में विकेट कीपर हारिस को जो कि एक जूनियर खिलाड़ी था आपने उसको मौका दिया और सरफराज को आपने मौका नहीं दिया खेलने का, तो मैं ये समझता हूँ कि सही वक्त पर हम एक तो सही फैसला नहीं कर पा रहे, फिर ये कि हम जो है दोस्तियां निभा रहे हैं और सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स को एकोमोडेट और फैसिलिटेट कर रहे हैं जो उनकी गुड बुक में है। सरफराज को उन्होंने मतलब ये कि नहीं खिला रहे हैं,
इसी तरह फवाद आलम के साथ ज्यादती की, उसको टीम में नहीं रखा। शान मसूद को आपने बैठा के रखा है, जबकि शान मसूद की लास्ट जो करंट परफॉर्मेंस है अगर आप देखें तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसका फिटनेस लेवल बड़ा। और शान मसूद की इस परफॉर्मेंस की बेस पे उनको T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट किया गया था जी। लेकिन ये कि आप ये देखें, वो तो ऐसा खिलाड़ी है कि वो तमाम हालात में तमाम कंडीशंस में खेलने की सलाहियत रखता है, और जिस तरह से उसने अपनी एक्सपर्टीज, अपना एक्सपोजर और अपना एक्सपीरियंस उसने इंग्लैंड में मतलब जो लीग हुई थी उसको दौरान दिया था, ये मतलब नंबर वन बैट्समैन था। इसने इतनी सेंचुरीज बनाई थी, हाफ सेंचुरीज बनाई थी, और अपनी परफॉर्मेंस को उसने साबित किया था। तो जब इस तरह के खिलाड़ियों के साथ आप जाती करेंगे जैसे सरफराज के साथ किया है, तो मैं ही समझता हूं कि अगर अब इसे कहीं वो मौका दे भी दें, लेकिन जब आपका एतमाद आपका शेक हो जाता है तो आप फिर आप उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। मैं ये समझता हूं कि हमारे जो कप्तान है, हमारे जो बेंच ऑफिशियल्स हैं, सिलेक्टर्स हैं, उनको कौमी मफाद को सामने रखना चाहिए और जाती मफाद को जो है हटाएंगे। जब तक ये जाती मफाद को तरजीह देंगे उस वक्त तक हमारी टीम जो है कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन हमारी दुआएं हमारी टीम के साथ हैं कि खुदा करे कि वो तीसरा टेस्ट जो है जीते, उसमें अपनी परफॉर्मेंस दिखाए। अगर आप ये टेस्ट जीतेंगे तो दुनिया में थोड़ा बहुत मतलब है कि आपका एक सॉफ्ट इमेज जाएगा, लेकिन जिस तरह से आप टीम को खिला रहे हैं, डिफेंसिव टाइप की विकटें भी बना रहे हैं, और आपका जो खेल का तरीकाकार है वो भी डिफेंसिव है, शिकस्त तो हम वैसे भी खा रहे हैं, तो भाई आप लड़ के हारे ना, तो मेरे ख्याल से हमें जो है काउंसलिंग की जरूरत है। हमारे खिलाड़ी जो है जब करंच पोजीशन होती है और प्रेशर सिचुएशन होती है तो उसमें अपनी चीजों को मैनेज करना भूल जाते हैं, और किसी भी अच्छे प्लेयर की ये निशानी होती है कि जब करंच और प्रेशर सिचुएशन हो तो उसमें अपनी चीजों को जो है मैनेज करने की सलाहियत। प्रोग्राम का वक्त महदूद है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मौकफ का, और यकीन तौर पर हम दुआ करें कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं, खेलों के मैदान आबाद रहे। लेकिन ये सवाल जरूर उठेगा कि जब एक ऐसी टीम जो कि पाकिस्तान की कंडीशन से वाकिफ नहीं, वो पाकिस्तान में आके जारियाना हिकमत अमली अपनाते हुए वो मैच जीत जाती है जो कि तकरीबन नामुमकिन हो, या उसको कहा जाए कि शायद वो जीतना अब इतना मुश्किल हो जाता कि किसी तरह की पिचेस थी रावलपिंडी के स्टेडियम की, लेकिन उस टीम ने जीता। एक बेहतर अजम के साथ जब वो टीम खेली, उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इसके बाद जो दूसरा मैच था उसमें भी हमने देखा कि एक अग्रेसिव अप्रोच थी। फील्ड सेटिंग्स की बात करें, मैच में बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, तो हर लिहाज से एक जारियाना अप्रोच नजर आई। लेकिन अब तीसरे मैच की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी होगा क्योंकि इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान आना है, और ये जो टेस्ट मैचेस हैं इससे पाकिस्तान को भरपूर फायदा उठाना चाहिए था जो शायद अभी तक उठाने में हम कासिर रहे हैं। पाकिस्तान तीसरे मैच में क्या तब्दीलियां करेगा, ये एक बड़ा सवाल तो होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान तो ये टेस्ट मैच जीतने में नाकाम रहता है तो ये पाकिस्तान की तारीखी शिकस्त में शामिल हो सकता है, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का कोई इंसिडेंट हमें देखने को ना मिले और पाकिस्तान कुछ ना तो ये तीसरा मैच जरूर जीतने में कामयाब हो जाए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीम को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।